ते अजे दोलन भारत पद्धर का नहीं दुनिया पद्धर के लोगों दी नजर लगी हुई दुनिया पद्धर के नजर लगिया ये दोलन से ते लड़ाई मेरे किसान वीरो असली लड़ाई 26 तरीक तो शुरू हुई है ते साढ़े नौजवानों का कातल कौन है जेड़े मुड़े ला के खड़दम मचाते जी जेड़े साढ़े नौजवानी भड़का के दूजे रिश्ते दे पासे दे साढ़े नौजवानों च कोई कसूर नहीं ते जे हुण सरकार नाल टक्करांगे ना हुण एक फ्रंट खोल के टक्करांगे तुहाडा सारयां दा धन्नवाद। तिरखे संघर्ष दे राह पए मेरे किसान वीर मजदूर वीर साडियां भैणां मेरा ख्याल है भी पंजाब दे किसानां नूं संघर्ष दे राह पयां नूं मेरा ख्याल है भी 4 महीनों तो उत्ते समा हो गया जिहड़े वड्डी उम्र दे साडे लीडर ने सेहत पक्खों भी बोलण पक्खों बोलदे विच दिक्कतां आईआं मेरा ख्याल है जदों असीं पंजाब दे विच अंदोलन शुरू किया थी असी बाकायदे पहला अड्डो अड्डी लड़ रहे थी मैं चेते करवाना चाहुंदा सिर्फ गल पंजाब दे विच 13 जथेबंदियां अड्ड लड़ रही थी 11 अड्ड लड़ रही थी कुछ साथी अड्ड लड़ रहे थी असी पूरी समझ सोच के चाहे जिहड़े आपदे विचार ती निजी जिहड़े मतभेद ती उन्हां नूं असी पासे रख के 30 31 32 जथेबंदियां दा इक संगठन बन गया साडा ते उह पंजाब दे दोलन दे विच जदों बन गया सेंटर दीआं एजेंसियां नूं ते सेंटर सरकार नूं इह पता लग गया भी इह दोलन जिहड़े सारे अड्डो अड्डी विचार वाले किसान लीडर सवाल ही नहीं पैदा बहुत दूर रहने वाले लीडर अज एक माला दे विच परोए गए यह दोलन एजेंसियां नूं उदों ही पता लग गया सी भारत पद्धर दा बन गया बनूगा यह किसे दिन जाके ते अज यह दोलन भारत पद्धर दा नहीं दुनिया पद्धर दे लोकां दीआं नजरां लगी हुई दुनिया पद्धर दे नजरां लगियां यह दोलन ते उहदी सरकार ने आपदी प्लैन घड़ी भी एक बराबर ते इस दोलन नूं फेल करन वास्ते आपदी एक टीम तैयार कर ली ओ टीम ने असी उहनां नूं आपदी स्टेज दे लवे फटकण नहीं दिता ना पंजाब च ते ना इत्थे उहनां ने पंजाब दे विचों ओ टीम तैयार करके पंजाब दे विच बाकायदे तुहाडे चेते होवे उन्हां दे आगुआं ने अड स्टेज लाई संभू बार्डर ते ओह अड चलदी रही ओह चलदी चलदी मेरे वीरो जदों आपां सारे रल के दिल्ली नूं तैयारी कीती मैं तुहाडे चेते करवाउणा अपने झंडे तुहानूं पता है तिन्ने कानून रद्द करवाउणे पराली वाला कानून खत्म करवाउणा 2000 बिजली एक्ट खत्म करवाउणा यह साडियां मंगां तीआं पर साडी कोई मंग नहीं थी भी असी किले ते किसे एक धर्म का झंडा चढ़ावांगे वो प्लैनिंग लड़ाई बराबर ते चलती चलती इत्थे पहुंच गई मैं बेनती करदा स्टेज चलती है नारे लाउण साडा बहुत जी कहदा बेनती करदा चौधरी मेरी बेनती है स्टेज चलती लड़ाई अपनी कदों शुरू हुई असल लड़ाई
छब्बी तो पहला मैं रोजाना दूजे तीजे दिन स्टेज पर आता रहा उधरली तो जाता रहा बड़ा खड़दम मचदा सीगा बड़ा खड़दम आप नू देख के लगता थी भी ये लड़ाई है एक सरकार नाल ते एक मेला है क्यों मेलिया दे विच खड़दम मचदा हुंदा ते लड़ाई दे विच कदे खड़दम नहीं मचदा हुंदा ओ लोग सीरियस होकर लड़ाई लड़ते हुंदे ने ते लड़ाई मेरे किसान वीरों असली लड़ाई 26 तरीक तो शुरू हुई है वो खड़दम मचाने वाले ने उन्होंने सरकार के पक्ष जाना थी जो सरकार करवाना चाहती थी उन्होंने करके दिखाता करता तो खड़दम वाले अज मैं कितने नहीं दिंदे अज खड़दम नहीं मच रहा दोलन के बच्च अज साडे किसान साडियां भैणां जिहड़े अज लोग इस बैडर ते बैठे ने वो एक चिंता च ने चिंता च पूरी निगाह रखो कह के गया भी उन्हां दा नाम ना लो क्यों ना लो लईए जिन्हें अमरीका दे नाल सौदा करिया होवे चाहे वह साडी इक जथेबंदी होवे भी करोड़ डालर लेना है चाहे दीप संधु होवे सरकार नाल सौदा करिया होवे ते जिहड़े साडे पंजाब दे नौजवान उहदा नाम लैण तों नहीं थकदे सीगे क्यों ना उहनां लोकां दा नाम लिया जावे उह तां सोडी सूझ ते सोडे आगुआं दी सूझ अंदोलन बचा लिया मैनू समझ नहीं आउंदी जिहड़ा राह साडे लीडरां ने सानू तैयार करके दिता वो मेरे किसान वीरो उत्थे तां बरस रहे ने फुल किसानां दे उत्ते फुल सिट रहे ने दिल्ली दे लोग साडी हमायत च ते जिधर नंगे खड़दम मचाउण वाले उत्थे पए ने डंडे ये समझ करन दी लोड़ आ की गया उन्हां दा खड़दम मचाउण वालियां दा साडे दो नौजवान शहीद हो गए उहदा जिम्मेदार कौन है उहदा जिम्मेदार है देश दा प्रधानमंत्री जिन्हें वह खड़दम मचाउण वाले तैयार किए जिन्हें उन्हें आपकी टीम तैयार की दो साढ़े नौजवानों का कातल कौन है शाह है जिहड़ा गृहमंत्री है तो साढ़े नौजवानों का कातल कौन है जिहड़े मुड़े ला के खड़दम मचाते जी जिहड़े साढ़े नौजवानी भड़का के दूजे रिश्ते पासे ते साढ़े नौजवानों च कोई कसूर नहीं नौजवान हमेशा वास्ते तत्ता खून हुंदा है उन्हां च कोई कसूर नहीं पर वह जिम्मेदार ने इस करके बड़ा कहिंदे ने ट्रालियां वापस वागियां किहड़ियां वागियां जिहड़ियां दो दिन वास्ते सदियां दियां वह वागियां ते दूजियां सी हैगियां इत्थे आ स्टेज फुल भरी आ पहला नौ ज्यादा भरी है कल मैं उधरली स्टेज ते बोलिया सारे दिनों नो ज्यादा इकट्ठ सीगा कौन वाग्या भाई पर मोदी मीडिया खासा जोर लाउंदा इस करके जिहड़े लोग साडे दोलन नू फेल करना चाहुंदे सी उहनां नू पिंडां दे विच बख्शिओ ना उहनां नू मूंह तोड़वां जवाब दिओ मैं तां तुहानू यही बेनती करनी है असीं तुहाडे नाल मैं लीडरशिप वल्लों गरंटी करके जाने आ आखिरी दम तक लड़ांगे मैं एक ही गल कह के आपकी गल समाप्त करनी है मैं रात सुता पिया 2 बजे मैं एक फोन आया बाहरले देश चो ऐ नहीं पता वह बंदा किन्नी उम्र का सीगा ना उन्हें मैं देखा ना उन्हें मैनू वेख्या वह पब्बा मार के रोया सच्ची लै मैं कहा यार इन्ना भावक क्यों हूं असं दो मोर्चे च बैठे हाँ कहना मैथों रहा नहीं गया एक ना मैनू गल दसी वधिया
जिहड़ी असीं भी नहीं सोच सकते। मैनूं कहिंदा बापू जी तुसीं पंज राह मिले थी ते तुसीं पंजे मोर्चे खोल ले। मैं कहा होर की करदे, कहिंदा तुसीं मोर्चा ही एक खोलना सीगा ते पंज दिन खोल दे के मोर्चा नाले पंज दिन परेड हुंदी ते ना जिहड़े कहिंदा खड़दम मचाउण वाले मूहरे लगे थे ना उन्होंने चलती थी तो सारी लीडरशिप मूहरे होंगी कटौर गल सची ला मैनू गल वधिया लगी उहदी एक सियाणप है भी सारे फ्रंट ना खोलो ते जे हुण सरकार नाल टक्करांगे ना हुण एक फ्रंट खोल के टक्करांगे। तुहाडा सारयां दा धन्नवाद। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।